नमस्कार, मैं मदनलाल मेहरा, स्नातक सामाजिक विज्ञान, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से आपके सामने कक्षा 8 के इतिहास के अध्याय 4 आदिवासी दिकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस अध्याय के शुरुआती दो शब्द आदिवासी और दिकु के बारे में। आदिवासी, आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो, यानी ऐसे लोग जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में बहुत ही पुराने समय से रहते हैं और उस क्षेत्र पर उन लोगों से पहले किसी और किसी भी प्रजाति का निवास नहीं रहा है, यानी उन लोगों से पहले उस ज़मीन पर कोई भी लोग नहीं रहते थे, तो उन लोगों को हम आदिवासी कहते हैं। बैगा जनजाति की एक महिला आपके सामने दिखाई दे रही है। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ है मूल निवासी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि वो लोग जो किसी भी ज़मीन पर शुरुआत से रहते हैं और उस ज़मीन पर उनसे पहले उस पर कोई भी निवास नहीं करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग आदिवासी यानी के कौन लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आदिकाल में एक समाज का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस समाज में सर्वोपरि कही जाने वाली जाति जिसका नाम था ब्राह्मण, उन लोगों ने समाज के लिए कुछ नए कायदे कानून का निर्माण किया। ऐसे कायदे कानून जो सभी लोगों के लिए अपनाना काफ़ी मुश्किल था, तो उस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन कायदे कानून को मानने के लिए राजी हो गए और उस समाज का हिस्सा बने रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए उन नियम और कायदे कानून को मानने से इनकार कर दिया। हुआ क्या, उन ब्राह्मणों ने जो उस समाज के रक्षक कहे जाते थे, इन लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। मजबूरन ये लोग ऐसे इलाकों में जाने के लिए मजबूर हो गए जहां पर कोई आता जाता नहीं था, यानी कि उस समाज से बहुत ही दूर दराज के इलाके जैसे जंगल, जैसे पहाड़ और रेगिस्तान के इलाके। ये इलाके समाज से काफ़ी दूर थे और इन इलाकों में किसी भी प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का अभाव था। तो ये लोग ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए नियम कायदे कानून मानने से इनकार करने के बाद या तो वे जंगल चले गए, या ये पहाड़ों पर बैठने लगे, या ये रेगिस्तान के इलाकों में चले गए। और ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर इनसे पहले किसी और जाति का निवास नहीं था, इसलिए ये लोग वहाँ के मूल निवासी कहलाए। आगे हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या के लिहाज से। भारत की जनसंख्या के लिहाज से आदिवासी लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय भारत में निवास करता है। लगभग 10 करोड़ के आसपास की जनसंख्या भारत में रहती है, या यूं कहें कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 9% हिस्सा भारत में निवास करता है। अगर हम संस्कृत ग्रंथों की बात करें
या पुरातन लेखों की बात करें तो आदिवासियों को आत्विका और वनवासी के नाम से भी जाना जाता है। वनवासी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लोग वनों में जाकर बस गए, जंगलों में जाकर बस गए, इसलिए इनको वनवासी नाम से पुकारा गया। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन के नाम से पुकारा। क्यों पुकारा? क्योंकि ये लोग पहाड़ों में रहते थे। गिरी का अर्थ होता है पहाड़, जन का अर्थ होता है जनता, यानी कि पहाड़ पर रहने वाले लोग, इसलिए उनको गिरिजन के नाम से पुकारा गया। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो आदिवासी लोगों को अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे समाज को मुख्य रूप से चार वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, सामान्य वर्ग। नंबर दो, अनुसूचित जनजाति लोग। नंबर तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग। और नंबर चार, अनुसूचित जाति। तो ये आदिवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद भारत में आदिवासियों को प्राय जनजाति लोग के रूप में जाना जाने लगा। भारत में आदिवासियों को दो वर्गों में सूचित किया गया है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति। आदिम जनजाति मतलब कि जो काफी आदिकाल से ही जंगलों में रहते हैं, जो उस समाज का हिस्सा थे ही नहीं, जो जंगलों में शिकार और संग्रहण करके अपना गुजारा चलाया करते थे। आदिवासी लोग अपने त्योहारों का पालन करते हैं, जिसका किसी भी धर्म से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और वे अपने आदिवासी रिवाज के अनुसार उनके बीच विवाह करते हैं। उनकी प्रथागत जनजातीय आस्था के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए उनके जीवन का अपना तरीका है। ये लोग किसी भी प्रकार के धर्म को नहीं मानते हैं, इनका अपना धर्म है, इन लोगों के अपने त्यौहार है, इन लोगों के अपने रीति रिवाज है, और ये उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार अपने त्यौहार मनाते हैं। उनकी प्रथागत जनजातीय आस्था के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए उनके जीवन का अपना ही तरीका है, अपने ही तरीके के इनके उत्तराधिकार है, अपने ही तरीके से ये लोग विवाह करते हैं, अपने ही तरीके से ये लोग अपना गुजारा करते हैं। अगर हम इन लोगों की भाषाओं के बारे में बातचीत करें तो भारत की 114 मुख्य भाषाएं मानी जाती है, और संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार उनमें से केवल 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और जिनमें से संथाली और बोडो आदिवासियों की मुख्य भाषा है, जिनको इस अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इन लोगों के पहनावे की, तो ये लोग मुख्य रूप से रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। जैसा कि हमने कक्षा 7 के अध्याय, इतिहास के अध्याय 7 में भी पढ़ा था कि आदिवासी लोग कौन होते थे। ये लोग वो लोग थे जो हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनते रहते हैं, हमेशा नाच गाना करते रहते हैं। इन लोग इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। खाने में ये लोग मैक्सिमम टाइम जंगलों में शिकार करते हैं और उससे अपना जो है जीवन यापन करते हैं। आदिवासी का अपना धर्म है, जैसा कि मैं अभी भी बता रहा था, इनका अपना ही धर्म है। ये ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, इन लोग अपना ही एक धर्म है, और वो है आदिवासी धर्म। आदिवासी लोग बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये लोग प्रकृति के पूजक हैं, ये लोग हमारी प्रकृति की सेवा करते हैं, ये लोग जिसकी हमें अति आवश्यकता है उस प्रकृति को बचाए हुए है, ये लोग उन जंगलों को बचाए हुए हैं जिनको कुछ व्यापारी और साहूकारी लोग
काटकर वहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने जा रहे हैं। ये लोग वन, पर्वत, नदियों, सूर्य की आराधना करते हैं। आधुनिक काल में जबरन बाह्य संपर्क में आने के फलस्वरूप इन्होंने हिंदू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म को भी अपनाया। जैसा कि अभी मैं बता रहा था, इन लोगों का अपना धर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इनके क्षेत्र में अंदर जाने का प्रयास किया और जबरन इन लोगों को हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया। जो लोग कमज़ोर थे उन लोगों ने मुख्य रूप से यह धर्म अपना लिया, और जो लोग अडिग थे उन लोगों ने किसी भी प्रकार से अन्य धर्म का स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजी राज के दौरान बड़ी संख्या में ये ईसाई बने, तो आज़ादी के बाद इन्हें हिंदूकरण का प्रयास तेजी से शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शासनकाल भारत में शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से आपको बता देना चाहता हूँ, और आपको विदित भी है, हम इससे पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से आई थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यहाँ के जो निवासी है वो आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं, वे धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, तो इस चीज़ का फायदा उठाकर उन्होंने यहाँ पे व्यापार के साथ साथ अपना ईसाई धर्म का प्रचार भी करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद इन आदिवासियों के ऊपर हिंदूकरण का प्रयास तेजी से थोपा जाने लगा। परंतु आज भी ये लोग स्वयं के धर्म की पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं, और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए अलग धर्म कोड, जिसको कोया पुनेम के नाम से जाना जाता है, की मांग कर रहे हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी कबीलों की महिलाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में कि ये लोग किस प्रकार के पहनावे का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग काफ़ी रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, और ऊपर की तस्वीर जो दिखाई दे रही है, काफ़ी मशक्क़तों के साथ आदिवासी महिलाएं किसी दूर दराज के इलाके से पानी लाते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दूसरा हमारा शब्द है दीकू। दीकू उन बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो उस मुख्य समाज का हिस्सा कभी नहीं थे। उनमें से मुख्य रूप से व्यापारी, महाजन तथा अंग्रेज, जिन्होंने आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और उनका शोषण किया। यानी कि ये वो लोग थे जो आदिवासी समाज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाहर से आकर उस आदिवासी समाज में जबरन घुस गए। क्यों? क्योंकि आदिवासी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का बहुतायत में पाया जाता है। उनका दोहन करने के लिए, वहाँ से आर्थिक लाभ उठाने के लिए ये लोग जबरन उप क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने आदिवासियों के जीवन में जो है इंटरफेरेंस किया, और वहाँ पर जाकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपने धर्म को उन लोगों के ऊपर थोपना शुरू किया, अपने खान पान, अपने पहनावे को उन लोगों के ऊपर थोपना शुरू किया, अपने तरीके से उन लोगों से काम करवाना उन लोगों ने शुरू किया, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगाकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, और इन लोगों को विभिन्न प्रकार के पाबंदियाँ लगाकर उनके आर्थिक विकास पर रोक लगाई और उनका आर्थिक मात्रा में शोषण किया। इन दो शब्दों के बाद आइए अब हम डिस्कशन करते हैं जनजातीय समूह किस प्रकार जीवन जीते थे, किस प्रकार ये अपनी रोजी रोटी कमाते थे, किस प्रकार रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। इन सब बातों का जो व्याख्या अब हम करेंगे।
तो सबसे पहले हम लेते हैं उन लोगों को जो झूम खेती करते थे। सबसे पहले मैं आपको झूम खेती के बारे में बताना चाहूँगा। झूम खेती, इसका दूसरा नाम कर्तन एवं दहन खेती भी है। कर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ होता है आग लगाना। यानी कि ये लोग किसी भी जमीन का एक हिस्सा सेलेक्ट करते थे, वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी, खास तौर पर झाड़ियाँ, बड़े वन ये लोग नहीं काटते थे, या छोटे पेड़ पौधे, उनको सबसे पहले काटते थे। उनसे बचा हुआ मलबा और जो ठूंठ बचती थी उसको वो लोग जला देते थे, और जो भी राख बचती थी उस पूरे क्षेत्र पर उसको बिखेर देते थे। राख इसलिए बिखेरी जाती है क्योंकि उसमें पोटास नामक एक रसायन होता है जो कि भूमि की उपजाऊपन क्षमता के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार जमीन को जो है प्लेन करते थे, जंगलों को या झाड़ियों को काटते थे, जलाते थे, राख बिखेर देते थे, उसके बाद उस क्षेत्र पर वो खेती किया करते थे। बीज बिखेर देते थे ऐसे ही, उस प्रकार किसी भी प्रकार के आधुनिक जो है उपकरण मौजूद नहीं होते थे। बीज को लेते थे और बिखेर देते थे, और जो भी फसल होती थी उसको वो काट कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उस जमीन पर ये मुख्य रूप से 2 से 3 साल खेती करते थे। क्यों? क्योंकि 2 से 3 साल के बाद वो ज़मीन धीरे धीरे अपनी उपजाऊपन क्षमता को कम कर देती थी और पैदावार जो है कम होना शुरू हो जाती थी। इसलिए उसके बाद ये लोग उस ज़मीन को छोड़कर किसी दूसरे हिस्से पर चले जाया करते थे और उस ज़मीन को परती छोड़ते थे। परती का अर्थ क्या है? परती का अर्थ होता है ज़मीन का वो भाग जो काफ़ी अनउपजाऊ हो चुका है, और उसको उपजाऊ करने के लिए उस ज़मीन को 1 से 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उस ज़मीन की उपजाऊपन क्षमता दोबारा से वापिस लौट सके। इसलिए ये लोग उस हिस्से को परती छोड़कर दूसरे हिस्से पर चले जाते थे। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जैसा कि पहली तस्वीर दिखाई दे रही है कि कुछ महिलाएं हैं जो कि ज़मीन को साफ़ कर रही है। वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई है, उन झाड़ियों को साफ़ करके, और दूसरे चित्र में जो है आग लगा दी गई है, पूरी राख को बिखेर दी गया है। उसके बाद तीसरे चित्र में एक महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर, या पुरुष हैं जो कि यहाँ पर खेती के लिए अपनी व्यवस्था कर रहे हैं और इस ज़मीन पर खेती करना शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से झूम खेती की जाती है। झूम खेती के बाद कुछ आपको मैं बताना चाहूँगा इस खेती की हानियाँ। जैसा कि इसमें वर्णित किया गया है कि झूम खेती ऐसी खेती है जिसमें जंगलों को काटा जाता है। जंगलों को अगर काटा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी प्रकृति को हानि होती है। मुख्य रूप से अगर जंगल काटा जाएगा, क्योंकि जंगल मुख्य रूप से बारिश का स्रोत होते हैं, इसलिए हमारी इस धरती पर बारिश कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये जंगल मुख्य रूप से हमारी ज़मीन के हिस्से को जकड़ कर रखते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, तो वो मिट्टी जो है मुख्य रूप से अपरदित हो जाएगी। उसके बाद एक और नुकसान है, क्योंकि जलाया जाता है, बहुत सारा धुआं फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो धुआं हमारे वातावरण में फैल जाता है जो कि प्रदूषक का एक कारक है। आदिवासी किसान घुमंतू समुदाय एक जगह बस नहीं सकते, ये एक दूसरे से स्थान पर आते जाते रहते हैं। बार बार नए जगह पर वनों को काटा जाता है, खेती योग्य ज़मीन तैयार करने में अनावश्यक श्रम भी करना पड़ता है। तो ये कुछ हानियां हैं जो कि घुमंतू खेती से होती है। उसके बाद घुमंतू कृषि करने वालों के बाद हमारा दूसरा समुदाय है शिकारी और संग्राहक। कुछ ऐसे लोग थे जो जंगलों में शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, यानी कि जंगलों में जाते थे, विभिन्न जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें मारते थे, और उनसे मिलने वाले जो मीट है, जो मांस है, उसको खाते थे, और बहुत सारा मांस ये लोग बाजारों में भी बेचते थे। कुछ लोग
संग्रहण करते थे, यानी कि इन जंगलों में बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारा कंदमूल यहाँ से मिलता है। उस कंदमल को, उस उत्पाद को ये लोग इकट्ठा करते थे, कुछ अपने लिए बचा के रखते थे और कुछ को बाज़ार में ये लोग बेच देते थे, जिससे उनको पैसा मिलता था और उस पैसे के साथ वो अपनी और अन्य ज़रूरत की चीज़ों को खरीद लेते थे। इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें, उड़ीसा में जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय जंगली पशुओं का शिकार करते और वन उपज को इकट्ठा करके गुजर बसर करते हैं। खाना पकाने के लिए ये लोग साल और महुआ के बीजों के तेलों का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ ये लोग कुसुम और पलास के फूलों को इकट्ठा करते हैं और उनसे रंग निकालते हैं और विभिन्न प्रकार के जो बुनकर है या चमड़ा कारीगर है उन लोगों को ये लोग जो है ये कलर जो है दे देते थे और वो लोग इनको रंगने में काम करते थे। इसके साथ साथ मध्य भारत में रहने वाले बैगा समुदाय के लोग, जो कि बाहर काम करने से कतराते थे और औरों के लिए काम नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि ये लोग दूसरों के लिए काम करना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं मानते थे, ये लोग अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानते थे और किसी भी प्रकार की दूसरे के लिए मजदूरी करना ये लोग नहीं चाहते थे। उसके बाद हमारा तीसरा समुदाय आता है, कुछ लोग ऐसे थे जो कि पशुपालन करते थे, पशुपालन का काम करते थे, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब के वन गुर्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय, ये लोग ऐसे लोग थे जो गाय और भैंस को पालते थे। इसके अलावा कुल्लू और कश्मीर के जो है गद्दी और बकरवाल लोग हैं, जो मुख्य रूप से घुमंतू चरवाहे हैं, जो भेड़ बकरियां पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ, ये लोग ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ऊपरी इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं और ये लोग मुख्य रूप से अपने पशुओं को चलाते हैं और जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि सर्दी की ऋतु यहाँ पे आती है, तो ये लोग वहाँ से चलकर किसी नीचे के स्थान पर आ जाते हैं, इसलिए इनको हम चलवासी प्रवासी चरवाहों के नाम से जाना जाता है। ये तस्वीर में आपको जो है कुछ चलवासी पशु चरवाहे दिखाई दे रहे हैं। चित्र दो में अगर देखेंगे तो एक चरवाहा दिखाई दे रहा है जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो एक ही जगह पर रहते थे, एक ही जगह पर रहकर खेती करते थे। बहुत सारे जनजातीय समुदाय एक जगह रुककर खेती करने लगे थे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अंग्रेज जो है ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से उन क्षेत्रों में आवाजाही ना हो, लोग एक जगह पर ही रहें। क्यों? क्योंकि अगर लोग एक जगह पर रहेंगे उनको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा, उनको आर्थिक फायदा होगा, वो एक जगह पर बसे हुए लोगों से हर प्रकार से लगान वसूल कर सकते थे। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे, अंग्रेज़ लोग उनको मुख्य रूप से चोरों के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए जाते हैं ताकि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को चुरा सकें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी अंग्रेज़ ये चाहते थे कि लोग एक ही स्थान पर रहे और वहाँ पर खेती करें। तो कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों की बात मानी और एक ही जगह पर रुककर वो खेती करने लगे। स्थायी खेती से उनको ज़मीन पर मालिकाना हक भी दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की बातों को मानने के लिए तैयार हो गए। इसलिए कुछ ज़मीन ऐसी थी जो काफ़ी कम उपजाऊ थी, उस ज़मीन पर उनको मालिकाना हक दे दिया गया। ज़्यादातर पूरी ज़मीन पर पूरे कबीले का अधिकार होता था और ज़मीन पर मालिकाना हक ये है जो दिया वो एक कबीले के रूप में दिया और उस कबीले का जो सरदार होता था या मुखिया होता था उसके ऊपर साथ मुख्य रूप से ज़्यादा ज़मीन होती थी। इनमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से गोंड और संथाल ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की बात मानकर एक ही जगह पर रहकर खेती करना शुरू किया। अंग्रेज़ों को ये अन्य घुमंतू समुदाय के बजाय अधिक सभ्य दिखाई देते थे। बिल्कुल सही बात है, ये सभ्य दिखाई देते होंगे
क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेज़ों की बात को माना। इन लोगों ने अंग्रेज़ की बातों को मानकर एक ही जगह पर खेती करना शुरू किया। इन लोगों ने अंग्रेज़ों को लगान देना शुरू किया। जंगलों में रहने वाले लोगों को अंग्रेज़ी जंगली और बर्बर मानते थे। इसके अलावा जो लोग और अन्य जंगलों में रहते थे, जो घुमंतु खेती करते थे, शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, अंग्रेज़ उनको या तो जंगली कहते थे या बर्बर कहते थे। उन लोगों को किसी भी प्रकार से सभ्य मानने के लिए अंग्रेज़ तैयार नहीं थे। अंग्रेज़ मानते थे कि इन लोगों को किसी भी प्रकार से जीने का सलीका और तरीका नहीं आता है। तो आपको इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है, गोंड और संथाल समुदाय के लोग जो कि खेती कर रहे हैं एक ही जगह पर रहकर। उसके बाद हम बात करते हैं औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। इससे पहले मैं आपको औपनिवेशिक शासन के बारे में बताना चाहूँगा। औपनिवेशिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी भी कमज़ोर देश के ऊपर आकर अपना शासन करना शुरू कर देता है, जैसा कि भारत में हुआ। भारत के लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों ने आकर शासन करना शुरू किया। उन लोगों के पास शक्ति थी, वो भारतीयों की अपेक्षा काफ़ी शक्तिशाली थी। जबरन भारतीयों से अपने काम करवाने शुरू किए। जिस प्रकार की वो खेती चाहते थे उस प्रकार की भारतीयों ने खेती करना शुरू किया। जिस प्रकार से वो चाहते थे कि ये लोग जो है इधर उधर घुमंतु खेती ना करें, उन लोगों से ज़बरदस्ती एक ही स्थान पर रहकर खेती करना शुरू किया। विभिन्न प्रकार के वन कानून बना दिए गए, जिसमें वनों में किसी भी प्रकार की आवाजाही के ऊपर रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भारतीयों को अपने कब्जे में कर लिया। तो उस समय आदिवासी लोगों के ऊपर इस औपनिवेशिक शासनकाल के क्या असर पड़े, जिनको हमने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में देखा है, हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो असर था वो आदिवासी मुखियाओं के ऊपर था। बता देना चाहता हूँ कि उस समय आदिवासियों के जो मुखिया थे वो अपने कबीले के ऊपर एक अपना बहुत अहम प्रभाव रखते थे। वे लोग आर्थिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली थे, उन लोगों के पास बहुत सारी जमीन थी। वे लोग उस क्षेत्र में वनों का प्रबंधन करते थे, किस प्रकार के वनों को काटा जाना है, किस प्रकार के वनों को नहीं काटा जाना है, कौन लोग वनों के अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये सारा का सारा प्रबंधन इन आदिवासी मुखियाओं के हाथ में होता था। यही वो लोग थे जो उस कबीले के अंदर रहने वाले आदिवासियों के लिए नियम और कानूनों का निर्माण करते थे। किस प्रकार से लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, कौन सा धर्म अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, किस प्रकार से वो लोग अपने रीति रिवाज मनाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ों के जो नियम थे वो आदिवासी मुखियाओं के कबीलों के द्वारा बनाए जाते थे। और मुख्य रूप से ये लोग पुलिस का काम भी करते थे। आमतौर पर समाज में जो है झगड़ा होता रहता है, जब भी किसी भी प्रकार से आदिवासियों का आपस में झगड़ा होता था तो ये लोग पुलिस का काम भी करते थे। तो औपनिवेशिक शासन का प्रभाव क्या रहा इनके ऊपर? अंग्रेज़ों ने मुखियाओं के प्रशासनिक अधिकार छीन लिए। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये लोग अपने नियम और कायदे कानून बनाते थे, वन प्रबंधन करते थे, पुलिस का काम करते थे, यानी कि अपने पूरे कबीले को अपने एक कंट्रोल में लेके चलते थे, वो सारे के सारे प्रशासनिक अधिकार अंग्रेज़ों ने इन मुखियाओं से छीन लिए। ज़मीन पर उनका हक बना रहा, परंतु निर्माण अब कंपनी करने लगी। जैसे ही ज़मीन जो उनको दी गई थी उनका मालिकाना हक उसके ऊपर रहा, लेकिन उन सब के लिए नीति और निर्माण जो भी कायदे कानून बनाने थे वो सारी की सारी शक्ति अब कंपनी के हाथ में आ गई। जहाँ ये कबीलों के सरदार दूसरों से उपहार या नजराना या कर लिया करते थे, अब उल्टा उनको कंपनी को नजराने देने पड़ रहे थे। नजराना मतलब एक प्रकार का गिफ्ट या उपहार। तो अब ये लोग कंपनी के लिए, कंपनी के अफसरों को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के नजराने उनको दिया करते थे, ताकि वो उन व्यक्तियों का जो ज़मीन पर हक है वो बना रहे, वो कबीलों के सरदार बने रहे। परंपरागत ताकत उनके पास किसी भी प्रकार से नहीं थी। जो पहले उनके पास शक्ति थी वो सारी की सारी छीन ली गई। वे अब जंगलों में मात्र कंपनी के प्रतिनिधि थे, मतलब
कि वो अब ऐसे लोगों के रूप में काम कर रहे थे जो कंपनी के प्रतिनिधि थे। कंपनी उनको किसी भी प्रकार का मैसेज देती थी और वो अपने आदिवासी कबीलों में उसको फॉरवर्ड करते थे, उनको बातों को मनवाने के लिए उन लोगों को राजी करते थे। उसके बाद है घुमंती काश्तकारों का क्या हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काश्तकारी का काम करते थे। उन लोगों के ऊपर भी औपनिवेशिक शासनकाल का बहुत गहरा असर पड़ा। अंग्रेज चाहते थे कि घुमंतू काश्तकार एक जगह टिककर खेती करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने एक ही जगह पर रहकर खेती करना शुरू किया, जैसे गोंड और संथाल की हम बात कर रहे थे, तो अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि एक ही जगह पर रहे और वहाँ पर ये खेती करें। इसका कारण भी मैंने बताया था कि ये लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो उनसे कर की वसूली जो है आसानी से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ दूसरे लोगों को नहीं भड़का सकते हैं, किसी भी प्रकार से ये लोग अन्य सामान की चोरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेज ये चाहते थे कि ये काश्तकार एक ही स्थान पर रहकर खेती करना शुरू कर दें। लेकिन ये लोग एक ही स्थान पर रहकर खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। समस्या ये थी कि ये लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी होती है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हल चलाने पर ही वहाँ पर खेती की जा सकती है, और इस प्रकार की सुविधाएं उस इलाकों में बिल्कुल भी नहीं थी। ना वहाँ पर पानी था, मिट्टी वहाँ पर सूखी हो गई थी और हल चलाना वहाँ पर उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। सूखी मिट्टी वाले इलाकों में खेती करने पर उपज नहीं मिलती थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जाहिर है कि जहाँ पर पानी नहीं होगा, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर उपज भी काफ़ी कम होगी। आदिवासी समुदाय परंपरागत अर्थात झूम खेती ही करना चाहते थे, क्योंकि ऊपर दिया गया कारण है कि वहाँ पर पानी की कमी है, अनुपजाऊ मिट्टी है, इसलिए ये लोग मुख्य रूप से झूम खेती ही करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि झूम खेती जो है एक दो साल के लिए एक क्षेत्र पर की जाती है, फिर दूसरे क्षेत्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं और वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है पहले वाली ज़मीन की अपेक्षा। तो इसलिए ये लोग घुमंतू खेती करना चाहते हैं ताकि इनको जो है उपज मिले और उपज को बेचकर वो बाज़ार में जाए, उससे पैसा कमाएँ और उससे अपनी ज़रूरत की सामान जो है ले सके। व्यापार विरोध के कारण कंपनी ने आखिर वनवासियों को झूम खेती करने पर छूट दी। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने उनको मजबूरन एक ही स्थान पर रहने के लिए मजबूर किया, तो इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये लोग आपस में इकट्ठे हुए, अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठे हुए, खड़े हुए और इन लोगों ने एक ही स्थान पर रहकर खेती करने से मना कर दिया। ये संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकी बात माननी पड़ी और कुछ ऐसे क्षेत्र जो काफ़ी कम उपजाऊ थे या कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी पावरफुल थे, उन लोगों को झूम खेती करने की परमिशन दे दी गई और जो लोग आसानी से अंग्रेज़ों की बात मान लेते थे उनको एक स्थान पर रहकर खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं वन कानून और उसके प्रभाव। विभिन्न प्रकार से अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को परेशान करने की कोशिश की। उन लोगों के शिकार करना बंद कर दिया था, उन लोगों का संग्रहण करना बंद कर दिया था, झूम खेती बंद कर दी थी, एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके साथ साथ आदिवासी लोग वनों से मुख्य रूप से अपनी आजीविका कमाते थे और वहाँ पर भी वन कानूनों का निर्माण कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने वन कानूनों के अंतर्गत वनों को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा। एक भाग आरक्षित वन। आरक्षित वन का अर्थ है कि वनों का एक ऐसा क्षेत्र जो किसी भी प्रकार की आवाजाही से दूर है, यानी कि उस वन को आरक्षित कर दिया गया है। उस वन को आरक्षित क्यों किया गया? क्योंकि उस वन के अंदर इस प्रकार के पेड़ पौधे या इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम है। यदि उन वनों को काटा जाएगा, यदि उन जानवरों को मार दिया जाएगा, तो वो इस धरती से विलुप्त हो सकते हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने आरक्षित वनों के अंदर आदिवासी लोगों की आवाजाही को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया। उनको किसी भी प्रकार की इन वनों के अंदर आवाजाही से मना कर दिया गया।
नंबर दो सुरक्षित वन। सुरक्षित वन भी इसी प्रकार की एक प्रकार का वर्ग था जिसमें अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि वो किसी भी प्रकार से इन वनों के अंदर बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के नहीं जा सकते। ये वो वन हैं जो काफ़ी मात्रा में कम हो चुके हैं और इनकी भी भविष्य में ख़त्म होने की संभावना है। इन वनों के अंदर ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो वो भी ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए अंग्रेज़ों ने यह आह्वान किया कि किसी भी प्रकार से आदिवासी लोग इन वनों के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इन वनों को सुरक्षित कर दिया गया है। इन वनों के अंदर कुछ परमिशन के आधार पर कुछ लोगों को जो है ये अधिकार दिया गया कि अगर उनको काफ़ी आवश्यकता है तो वो अंग्रेज़ों से परमिशन लेकर इन वनों के अंदर जा सकते हैं। उसके साथ अंग्रेज़ों ने जो है वनों की कैटेगरी या कुछ वनों के प्रकार ऐसे निश्चित किए जिनको वो जो है काट सकते थे, जिनके अंदर वो जा सकते थे। तीसरी प्रकार के वन वो थे जिसके अंदर जिसमें लोग आ जा सकते थे, वहाँ पर जो है अपना गुजारा चला सकते थे, उसके अंदर होने वाले उत्पाद का वो उपयोग कर सकते थे। वो लोग उनके अंदर जाकर विभिन्न प्रकार के कंदमूल इकट्ठा कर सकते थे और वहाँ से इकट्ठा करके उनको बाज़ारों में ले जाकर बेचकर पैसा कमा सकते थे, अपनी आजीविका की वस्तुओं को कर सकते थे। तो ये लोग ऐसे लोग थे जो उन वनों के अंदर जा सकते थे। आदिवासी अंग्रेज़ों ने वनों पर नियंत्रण स्थापित कर जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया, उस राज्य के अधीन कर दिया गया और उन राज्य की परमिशन के बगैर वो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे। इन जंगलों में आदिवासियों को स्वतंत्र घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति नहीं थी। आदिवासियों पर प्रतिबंध लगाने से अंग्रेज़ों के सामने मजदूरों की समस्या पैदा हो गई। आदिवासियों के ऊपर प्रतिबंध तो लगा दिया कि वो जंगलों के अंदर अब आ जा नहीं सकते, लेकिन उनको मजदूर भी चाहिए थे और वो मजदूर कहाँ से आते? आदिवासियों के अंदर से। तो ये लोग आदिवासी अंग्रेज़ों के लिए काम करने से मना कर दिए, जबकि उस समय रेलवे का काम काफ़ी ज़ोरों से था। रेलवे के लिए स्लीपर्स का निर्माण करना था, पेड़ काटने थे, उनकी ढुलाई करनी थी, तो ये सारे कामों के लिए अंग्रेज़ों को काफ़ी मात्रा में मज़दूरों की आवश्यकता थी, जबकि आदिवासी इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अपने जीवन के निर्वाह के लिए जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे शहद, औषधि, फल आदि की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन वनों के अंदर जाने के लिए पाबंदी लगा दी थी। झारखंड के हजारीबाग के आसपास के निवासी संथाल समुदाय रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के कीड़े को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है और ये लोग रेशम के कीड़े पालते थे, उससे रेशम निकालते थे, कपड़ा बुनते थे और व्यापारी लोगों को दे देते। आदिवासियों से बिचौलियों कम कीमत पर, जो बिचौलिए थे यानी कि साहूकार थे, व्यापारी थे, वो आदिवासियों से काफ़ी कम कीमत पर रेशम क्रीमी कोष खरीदते थे और उस क्रीमी कोष को ये लोग बाज़ार में जाकर काफ़ी ऊंचे रेट पर बेचते थे, यानी कि सारा का सारा जो मुनाफा था वो इन व्यापारियों को ही होता था। आदिवासियों को किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं होता था और वो अपनी आजीविका भी नहीं चला सकते थे जो पैसा उनको इन क्रीमी कोष को बेचकर मिलता था। इस प्रकार आदिवासी व्यापारियों को अपना शत्रु मानते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग काफ़ी मुनाफा कमाते थे और आदिवासियों को किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं देते थे। इवन कि ये होता था कि व्यापारी लोग इन आदिवासियों से जबरन काफ़ी समय तक काम करवाते थे। काम के घंटे इनके जो थे वो 18 से 20 घंटे इन लोगों से काम लिया जाता था, तो इसलिए लोग, ये आदिवासी लोग इन व्यापारियों से नफरत करते थे। उसके बाद यही लोग जिनको अंग्रेज़ों ने काफ़ी परेशान किया, एक ही जगह पर रहकर खेती करने पर मजबूर किया, इन लोगों से काफ़ी मात्रा में लगान लिया जाता था, इन लोगों से भरपूर मात्रा में काम करवाया जाता था। जब ये लोग लगान चुकाने में असमर्थ रहे तो ये लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गए और इन लोगों को फिर आदिवासियों को असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खदानों में काम करने हेतु भर्ती कर लिया गया। ये लोग वहाँ पर काम करते थे, दिन रात काम करते थे, लेकिन इनको मजदूरी काफ़ी कम दी जाती थी।
यहाँ तक कि ठेकेदार इन लोगों को दोबारा से अपने घर जाने की अनुमति नहीं देते थे। इन लोगों को एक ही स्थान पर रहना पड़ता था, उसी स्थान पर रहकर काम करना पड़ता था और इन लोगों को 18 से 20 घंटे जो है काम करवाया जाता था। इस प्रकार आदिवासियों का जो है ठेकेदार भरपूर मात्रा में शोषण किया करते थे। इस कारण जब आदिवासी लोग इन कामों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अंग्रेज़ों से परेशान हो गए, व्यापारियों से परेशान हो गए, साहूकारों से परेशान हो गए, तो ये धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। इन लोगों ने अपना समुदाय संगठित किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, साहूकारों के ख़िलाफ़, व्यापारियों के खिलाफ इन्होंने अपना जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया। 1831 से 32 कोल विद्रोह, 1855 से संथाल विद्रोह, 1906 में सोंग्राम संगमा का आसाम में विद्रोह हुआ, 1910 में बस्तर में विद्रोह हुआ, 1930 में वन सत्याग्रह किया गया, 1940 में वर्ली विद्रोह किया गया। तो इस प्रकार से आदिवासियों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ या साहूकारों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। धीरे धीरे इन लोगों की कुछ मांगों को मान लिया गया और कुछ इन लोगों की मांगों को नहीं माना गया और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया। तो आज का ये अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे बिरसा मुंडा के साथ। बिरसा मुंडा कौन थे, वो कहाँ पर पैदा हुए, किस प्रकार उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों के लिए काम किया, किस प्रकार अपने जीवन का जो है पूरा का पूरा जो है अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए उन्होंने लगा दिया, इस बात की चर्चा हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।